सैमसंग A80 ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप जो है अपने डिवाइस में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नॉट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे दोस्तों ऑटो कॉल रिकॉर्ड सेटिंग किया हुआ है फिर भी काम नहीं करे, तो उसका भी अलग सॉल्यूशन होगा। अगर आपको सेटिंग सही तरीके से करना नहीं आते, उसका भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के अंदर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के रिलेटेड में जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आज के इस वीडियो के साथ ही आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो जो है अंत तक देखना होगा। जो भी मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसको फॉलो कीजिए। सेटिंग और सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दोनों ही बताने वाला हूँ, सही तरीके से कैसे सेटिंग करना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, उसके बाद जाके सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले तो करना क्या है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक बार दोस्तों अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करके देखिए। डिवाइस रिस्टार्ट करने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सेम ही है तो आप सेटिंग पर जाइए। ठीक है, अपने मोबाइल की सेटिंग, उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, ऐप्स के अंदर पे जाइए और दोस्तों यहाँ पे आप फ़ोन सर्विस ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फ़ोन सर्विस, तो यहाँ पे फ़ोन ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक करके जाना है। एंड देन आप जो है दोस्तों यहाँ पे जाइए स्टोरेज में, क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर देना और इसका डेटा को क्लियर कर दीजिए। जैसे डेटा क्लियर होगा आप बैक करें। बैक करने के बाद दोस्तों आप अपने कॉल सेटिंग को ओपन कीजिए। थ्री डॉट्स में क्लिक करके आप कॉल सेटिंग पर जा सकते हैं। एंड देन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप रिकॉर्ड कॉल के अंदर पे जाइए। यहाँ पे आप रिकॉर्ड कॉल्स, ठीक है, ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स, तो ये ऑप्शन आप इनेबल कर दीजिए। तो ये ऑप्शन को इनेबल जैसे आप करोगे तो आपका ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा। तो एक बार आप दोस्तों ट्राई करके देखिए। ठीक है, रिकॉर्ड करने की कोशिश करें तो इतने में दोस्तों आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि दोस्तों हमने सॉल्यूशन के साथ सेटिंग कर दिया है। तो चेक करके देखें अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर अभी भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो जाइए अपने सेटिंग पर और यहाँ पे आपको ऑन करना है जनरल मैनेजमेंट। स्क्रॉल डाउन करें, रीसेट के ऑप्शन पर जाए, रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके सारे सेटिंग्स को यहाँ पर रीसेट कर दीजिए। मोबाइल पैटर्न पासवर्ड जो भी है उसको भर दीजिए और सारे सेटिंग को एक बार रीसेट करके दोबारा से ट्राई करके देखिए। ठीक है, अगर इससे काम बन जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। फिर भी दोस्तों मान लीजिए प्रॉब्लम आपको आ रहा है, ठीक है, इतना सॉल्यूशन किया फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करें। ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करें, लेटेस्ट वर्जन पर मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों इस तरह का जो प्रॉब्लम्स रहते हैं कॉम्प्लीटली फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग का यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होते ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली टाइप कीजिए कॉल रिकॉर्डर, तो कॉल रिकॉर्डर दोस्तों आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके दोस्तों आप इसको जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है दोस्तों और अच्छी तरीके से भी काम करते हैं ये एप्लीकेशन, तो आप इसको भी जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।